नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने रीट के लेवल वन के पर्यावरण अध्ययन का परिवार। जो टॉपिक हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, उसी को पिछली वीडियो में हम लोगों ने परिवार के अर्थ को समझा, परिवार की अलग अलग परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, परिवार की क्या विशेषताएं हैं ये हम लोगों ने जाना। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम परिवार के विभिन्न प्रकार जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम अपने चारों तरफ अलग अलग परिवेश में अलग अलग तरह के परिवारों को देखते हैं, ठीक है। और ये जो विभिन्न प्रकार के परिवार हमें देखने को मिलते हैं, ये अलग अलग बातों को आधार मान करके बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो परिवार के जो प्रकार हैं, अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें उसके बेसिस पर अलग तरह के परिवार हैं, सत्ता की बात करें तो उसके बेसिस पर अलग तरह के परिवार हैं, वंश की बात करें तो उसके बेसिस पर अलग तरह के परिवार हैं, ठीक है। तो अलग अलग बातों को आधार मान करके जो परिवार हैं उनके विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। जैसे सदस्यों की संख्या या परिवार के आकार के आधार पर परिवार एकल और संयुक्त तरह के हो सकते हैं। एकल परिवार, सदस्यों की संख्या कम होगी, आकार जो है परिवार का वो छोटा होगा। और संयुक्त परिवार, जहां सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी परिवार का आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसी तरह सत्ता के आधार पर, अगर पिता पक्ष के पास सत्ता है तो पितृ सत्तात्मक है, अगर माता के पास सत्ता है परिवार की तो मातृ सत्तात्मक है। वंश नाम के आधार पर, कि पिता के वंश को आगे बढ़ाएंगे तो पितृवंशीय है, माता के वंश के साथ रिलेटेड है तो मातृवंशीय हो गए हैं। और अगर विवाह के आधार मान करके चलें तो जो परिवार है वो एक विवाही हो सकते हैं। जैसे ज्यादातर हिंदू परिवारों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो है वो केवल एक विवाह करता है और परिवार का निर्माण करता है, जबकि दूसरी तरफ बहुविवाही परिवार भी देखने को मिलते हैं जहां पर व्यक्ति जो है वो एक से ज्यादा विवाह करके परिवार का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के परिवार जो है हमें देखने को मिलते हैं अपने आसपास, लेकिन इन सब में हमें पढ़ना है सिर्फ सदस्यों की संख्या या परिवार के आधार पर, परिवार के आकार के आधार पर जो परिवार के प्रकार बताए गए हैं, यानी कि एकल और संयुक्त परिवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहां लिख लेते हैं एकल परिवार। एकल परिवार जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। एकल परिवार या इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसे, न्यूक्लियर फैमिली। तो एकल परिवार की क्या विशेषता है कि एकल परिवार जो है इसका आकार छोटा होता है। तो पहली विशेषता क्या हो गई, छोटा आकार। एकल परिवार का जो आकार है वो क्या होगा, छोटा होगा। जो एकल परिवार है इसका निर्माण कैसे होगा, माता पिता और अविवाहित संतानें जो हैं, अविवाहित संतान जो होगी वो मिलकर के एकल परिवार का निर्माण करेगी। यानी कि एकल परिवार एक ऐसा परिवार है जो माता पिता और उनकी अविवाहित संतानों से निर्मित होता है, ठीक है। तो दो बातें मैंने आपको बताई, एकल परिवार जो है वो छोटे आकार का होता है, माता पिता और अविवाहित संतान से बनता है, और साथ ही साथ तीसरी जो विशेषता वो क्या है, एकल परिवार में केवल दो पीढ़ियां जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। एकल परिवार में जो है वंश की केवल दो पीढ़ियां जो है उपस्थित रहेंगी। एकल परिवार को ही हम नाभिकीय परिवार, नाभिकीय या केंद्रीय परिवार, ठीक है, नाभिकीय या केंद्रीय परिवार जो है कहते हैं, ठीक है। तो एकल परिवार की क्या विशेषताएं आपको बताई गई हैं, एकल परिवार जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसका आकार छोटा होगा। छोटा आकार का मतलब क्या है, सदस्यों की जो संख्या है वो क्या है, सदस्य या सदस्यों की कम संख्या, इसमें संख्या जो है सदस्यों की वो क्या होती है, कम है,
ठीक है। दूसरा माता पिता और अविवाहित संतान से निर्मित होता है। तीसरा दो पीढ़ियां जो है वो इसमें देखने को मिलती हैं और एकल परिवार को ही आप नाभिकीय या केंद्रीय परिवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ने हैं एकल परिवार के गुण व दोष। जैसे किसी भी चीज के लाभ या हानियां दोनों ही होते हैं, उसी तरह से जो एकल परिवार है इसके भी कुछ लाभ है आप अलग और कुछ हानियां देखने को मिलती है, यानी कि गुण और दोष दोनों ही है, हमें उनके बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एकल परिवार के गुण क्या है। ठीक है, एकल परिवार के गुण क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एकल परिवार के गुण, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, भी हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, एकल परिवार के गुण में सबसे पहला गुण, अभी आपको बताया कि एकल परिवार जो है वो छोटे आकार का परिवार होता है। ठीक है, एकल परिवार छोटे आकार का परिवार होता है, इसलिए घरेलू कार्य का जो बोझ होता है, घरेलू कार्य का बोझ का कम बोझ वो कम होगा। ठीक है, घरेलू कार्य जो होते हैं, संयुक्त परिवार बड़ा परिवार है, कई सारे सदस्य हैं, कपड़े भी धोने बैठो तो 15-20 जनों के 500 कपड़े हो जाते हैं, धोते धोते शाम हो जाती है। ठीक है, तो वैसा यहां सिस्टम नहीं है, घरेलू कार्य जो है कम बोझ है उसका, क्योंकि सदस्य ही कम है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, इनके जीवन जीने का जो, इनका जो लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का जो तरीका है वो उसकी गुणवत्ता बेहतर होती है। ठीक है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, क्यों, क्योंकि जी आकार कम है, आकार छोटा है, सदस्य कम है, तो पैसे खर्चने के मामले में ज्यादा सोचते नहीं है। संयुक्त परिवार में क्या भाई, बड़ी भरी पूरी फैमिली है, पैसे खर्च करते वक्त सोचना पड़ता है, क्योंकि एक अकेला बच्चा नहीं है, एक अकेला व्यक्ति नहीं है संयुक्त परिवार में, कई सारे लोग हैं, अगर एक की किसी जिद को पूरी करेंगे तो दूसरे वाले जो वो रूठ जाएंगे। तो संयुक्त परिवार में जो है कई बार हमें मन मारना पड़ता है, हम जो चीज चाहते हैं भाई, हाँ मेरे पास ये वाला मोबाइल हो या मैं ये खा करके आऊं, तो हमें गुजारा करना पड़ता है उससे कम में। ठीक है, तो एकल परिवार के अंदर ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती, सदस्य कम होते हैं इसलिए वो मनचाही चीजें खा सकते हैं, मनचाही जगहों पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो एकल परिवार में जीवन की जो है बेहतर गुणवत्ता देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, एकल परिवार में शिक्षा जो है, शिक्षा का उच्च स्तर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, शिक्षा का उच्च स्तर देखने को मिलता है। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सदस्य कम है, ठीक है, तो आर्थिक संपन्नता होती है, किसी दूसरी जगह विदेश जाकर के पढ़ना है या किसी ऐसे महंगे कोर्स में एडमिशन लेना है, महंगी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो जो एकल परिवार के बच्चे हैं उनको ज्यादा परेशानियां फेस नहीं करनी पड़ती हैं, जबकि संयुक्त परिवार में भरा पूरा परिवार है, कई सारे बच्चे हैं, अगर सभी विदेश घूमने के लिए निकल गए तो संयुक्त परिवार की जो संपत्ति है उसका तो भट्टा बिठा देंगे वो। ठीक है, तो वहां उच्च शिक्षा जो है उसके चांसेस जो है वो कम है। ऐसा नहीं कि संयुक्त परिवार में उच्च शिक्षा जो स्तर है वो, शिक्षा जो है उसका स्तर अच्छा नहीं होगा, नहीं, संयुक्त परिवार में भी शिक्षा अच्छे स्तर पर देखने को मिलती है, लेकिन एकल परिवार जो है, एकल परिवार में जिम्मेदारियां थोड़ी कम होती हैं, तो जो बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा का उच्च स्तर एकल परिवार के बच्चों में देखने को मिलता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। ठीक है, अब संयुक्त परिवार की अगर हम बात करें तो कई सारे लोग हैं, हर एक का स्वभाव अलग है, कोई बच्चा जो है वो किसी एक या दो के साथ घुल मिल जाता है, बाकियों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, वजह है उनका तेज स्वभाव, या हम बोलते हैं बड़े बूढ़े जो है वो डांट देते हैं, तो बच्चा जो है थोड़ा सा दब जाता है, हिचकता है चीजों को पूछने के लिए, और अगर माता पिता के पास जाकर के पूछे भी तो वो डांट देते हैं, फटकार देते हैं, भी हाँ तेरे चाचा वाला जो लड़का है फिर उसको भी करवाओ, है इतने पैसे कहां से लाए, तो वो
वाली जो बात है वो एकल परिवार में देखने को नहीं मिलती। और एकल परिवार में तो क्या है, माता पिता दो हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में अपने अपने नौकरी पर लगे हुए हैं और उनके पास बच्चे को देने के लिए समय होता नहीं, तो वो क्या करते हैं भी बच्चे का मन लगा रहे इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेज हैं या कंप्यूटर क्लासेज हैं, इंग्लिश स्पोकन की क्लासेज हैं, इस तरह की क्लासेज, डांस क्लासेज है, स्विमिंग क्लासेज हैं, ठीक है, ये सब उनको बच्चों को भेज देते हैं सीखने के लिए। और इनका फायदा बच्चों को मिलता है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण रूप से विकसित हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा पांचवा, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, की क्षमता का विकास, ठीक है। अगर हम एकल परिवार की बात करें तो जैसे एकल परिवार में माता पिता चले गए नौकरी पर, उसके बाद में वो जो बच्चा है वो घर पर अकेला है, ठीक है, घर में उस समय माता पिता के अनुपस्थिति में जो भी निर्णय लेने हैं उसी ने लेने हैं, ठीक है। तो कुछ बार क्या है, शुरू शुरू में निर्णय लेगा, हो सकता है निर्णय गलत हो, लेकिन धीरे धीरे क्या है उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी आसानी से वो निर्णय लेने की क्षमता को अपने डेवलप कर पाएगा, सही निर्णय लेने की क्षमता को। गलतियां सभी से होती हैं, संयुक्त परिवार में भी गलतियां होती हैं, बहुत से निर्णय ऐसे ले लिए जाते हैं जो गलत साबित होते हैं परिवार के लिए, ठीक है, लेकिन वहां क्या है मुखिया प्रेजेंट है, मुखिया ही निर्णय लेता है, ठीक है, संयुक्त परिवार में। यहां पर पेरेंट्स हैं, निर्णय वही लेंगे, लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता, एक एक पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते हो क्या, कि यहां वैचारिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है, वैचारिक स्वतंत्रता यहां हमें देखने को मिलेगी। तो एक तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा बच्चों के अंदर, क्यों, माता पिता चले जाएंगे काम पर, वो बेचारा अकेला रह गया घर पर, अब वो उसे खुद को, खुद के लिए खुद निर्णय लेने पड़ते हैं, धीरे धीरे उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अब संयुक्त परिवार में क्या होगा, बच्चा अगर कोई डिसीजन लेता है तो 10 लोगों से पहले पूछेगा क्या ठीक है, क्या कर लूं, क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं वो कर लूं, ठीक है, तो वहां निर्णय लेने की क्षमता का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता। दूसरा, और उसके बाद हमने बात की वैचारिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता भाई संयुक्त परिवार और एकल परिवार को जब हम कंपेयर करते हैं तो वैचारिक स्वतंत्रता जो होती है हमें एकल परिवार में ज्यादा देखने को मिलती है। जो व्यक्ति होगा एकल परिवार में वो बड़े स्वतंत्र तरीके से अपने विचार जो है वो सामने रख सकता है। संयुक्त परिवार में हमें बहुत ज्यादा सोचना विचारना पड़ता है और यदि हमारी बात ठीक भी है, हमसे बड़े जो है अगर उनकी बात गलत है, सही नहीं है और हमारी बात ठीक है, उसके बावजूद भी उनको सम्मान देने के चलते हमें अपने उस विचार को, अपने उस सही विचार को भी दबाना पड़ता है। तो हमें संयुक्त परिवारों में वैचारिक स्वतंत्रता ज्यादा देखने को नहीं मिलती, एकल परिवारों के अंदर वैचारिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है, संयुक्त परिवारों के मुकाबले अधिक वैचारिक स्वतंत्रता जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सातवां जो कैरेक्टर है, सातवें कैरेक्टर में आत्मनिर्भरता, जो एकल परिवार में बच्चे हैं वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं तुरंत, क्यों, अभी हमने बात की कि निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय कोई व्यक्ति तभी ले सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, ठीक है, खुद पर निर्भर कर रहा है, उसको मालूम है कि किसी परेशानी में वो फंस गया है तो माता पिता वो अपना काम छोड़ करके उसको बचाने के लिए नहीं आ सकते। संयुक्त परिवार में तो जी एक आवाज लगाई 10 जने आ जाएंगे छुड़ाने के लिए, किसी पंगे में पड़ गए हैं तो उसको छुड़ाने के लिए 10 बंदे आ जाएंगे, लेकिन एकल परिवार में ऐसा देखने को नहीं मिलता, इसलिए जो बच्चे हैं वो आत्मनिर्भर बनते हैं, ठीक है, जो कुछ करना है उनको समझ में आ गया, जो कुछ करना है उन्हीं ने करना, ठीक है, माता पिता के पास उनके लिए इतना पर्याप्त समय नहीं दे होता है, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता जो है एकल परिवार के बच्चों का एक और गुण है। इसके अलावा देखिए एकल परिवार में कम आपसी मतभेद देखने को मिलते हैं, अब लोग हैं ही कम, ठीक है, गिनती के चार तो जन, ठीक है, उनके बीच में भी अगर मतभेद होंगे तो बात बनेगी कैसे, ठीक है, तो क्योंकि सदस्यों की संख्या कम है इसलिए एकल परिवार के अंदर आपसी मतभेद भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है कि एकल परिवार जो है,
एकल परिवार में स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, ठीक है, स्त्रियों के साथ समान व्यवहार, ठीक है। इस चीज की माने या ना माने, कहीं ना कहीं संयुक्त परिवारों में कमी होती है, वहां पर जो निर्णय है वो घर के पुरुष जो है वही लेते हैं, महिलाओं से या तो पूछा नहीं जाता या इवन उनको छोटी छोटी किसी बात पर डांट डपट भी दिया जाता है। लेकिन जब आप एकल परिवार की बात करते हैं तो बच्चों को बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि स्त्रियों का आदर जो है वो किया जाना चाहिए, और ना सिर्फ सिखाया जाता है बल्कि जो परिवार में निर्णय लेने होते हैं उनमें भी बराबर सहभागिता जो है, बराबर निर्णय जो है वो महिलाएं लेती हैं एकल परिवारों में। इसलिए एकल परिवार में स्त्रियों के साथ समान व्यवहार जो है वो देखने को मिलता है। ये सब एकल परिवार के गुण है, ठीक है। क्या घरेलू कार्य का कम बोझ होता है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता देखने को मिलती है, शिक्षा का उच्च स्तर देखने को मिलता है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास एकल परिवार के बच्चों में होगा, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा, वैचारिक स्वतंत्रता होगी, बच्चे जो है आत्मनिर्भर होंगे एकल परिवारों के, कम आपसी मतभेदों के बंदे ही कम है, ठीक है। अब जो बर्तनों का जो टोकरा है उसमें बर्तन ही कम होंगे तो कितने गवाह जाएंगे, वही वाली बात, कम आपसी मतभेद है। और स्त्रियों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्त्रियों के साथ समान व्यवहार जो है एकल परिवार के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये है इसके गुण। अब बात करते हैं एकल परिवार के दोष क्या क्या है, ठीक है, एकल परिवार के दोष। तो देखिए, गुणों की हमने बात कर ली, अब हर चीज के हमने अभी बात की कि गुण भी होते हैं दोष भी होते हैं। गुण हमने पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, दोष पढ़ेंगे। फिर क्या कमियां क्या रह जाती हैं एकल परिवार में, कमियां क्या है एकल परिवार के दोष, ठीक है। देखिए, बच्चे जो है सबसे बड़ा यहां पर बच्चों को जो नुकसान होता है वो क्या है, बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं एकल परिवारों में, ठीक है। बड़े बुजुर्ग जो होंगे वो एकल परिवारों में देखने को नहीं मिलते हैं, नहीं देख वहां पर रहते हैं उनके साथ। अब जैसे हम में से ही कोई जो है वो नौकरी करने के लिए चला गया कहीं दिल्ली या बम्बई या कलकत्ता, तो वहां अपने पेरेंट्स जो है वो हमारे साथ नहीं जाते हैं, इसलिए हमारे जो बच्चे होंगे वो उनको अपने दादा दादी का नाना नानी का प्यार देखने को नहीं मिलता है। तो बड़े बुजुर्ग जो है, बुजुर्गों का सहारा नहीं होता है, बड़े बुजुर्गों का के सहारे का अभाव, के सहारे का अभाव, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, बड़े बुजुर्गों के सहारे का अभाव देखने को मिलता है कि हाँ एकल परिवारों के अंदर। फिर दूसरी चीज, माता पिता तो चले गए हैं कहां, नौकरी पर, उनके जाने के बाद बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो बच्चे के अंदर उचित संस्कारों की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। सही संस्कार उसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, क्या गलतियां कर रहा है वो, क्या गड़बड़ कर रखा है, क्या उसने सही चीज की है क्या उसने गलत चीज की है, उसको सुधारने का जो है वहां, सुधारने के लिए वहां कोई नहीं होता। एक संयुक्त परिवारों में तो क्या 10 जन है वहां पर, बच्चे ने अगर गड़बड़ कर दी है एक से बच गया तो दूसरा उसके कान खींचेगा, दूसरे से बच गया तीसरा कान खींच लेगा, यानी कि वहां सुधार की, संस्कारों की भरपूर मात्रा में जो है बच्चे के अंदर संस्कार भरे जाते हैं, ठीक है जी। अंकल के साथ ऐसे बोलते हो, अंकल को नमस्कार करो, पांव छुओ, ये सब। लेकिन एकल परिवारों में ऐसे संस्कार जो है वो देखने को नहीं मिलते, इसलिए उचित संस्कारों की कमी जो है वहां देखने को मिलती है। और जब संस्कार जो है उचित नहीं होंगे बच्चों के, तो बच्चों की संगति के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों की संगति कैसी है, ठीक है, बच्चों की संगति कैसी है इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एकल परिवारों में ज्यादातर ये देखा जाता है कि माता पिता जो है वो जॉब पर चले गए, उसके बाद जो बच्चा है वो गली के किन बच्चों के साथ खेल रहा है, गली से बाहर के किसी बच्चों के साथ खेल रहा है, अपनी उम्र से बड़े बच्चों के साथ खेल रहा है, किस तरह के दोस्तों के साथ वो खेल रहा है, इस चीज का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। संयुक्त परिवारों में क्या कि भरा पूरा परिवार है, गली में या दूसरी गली में तीसरी गली में जहां पर भी चले जाओ
आपके परिवार के किसी न किसी का कोई नोन वहां पर जरूर मिलेगा। तुरंत फोन आ जाएगा, जी थारो छोरो तो उरे घूमे, बोले उरे वो बाठा मार तो फिरे, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है वो एकल परिवारों में देखने को नहीं मिलती है। बच्चों की संगति जो है किस तरह की है, किस तरह की नहीं है, क्या उसमें सही तरीके से सही दोस्त हैं उसके, या उसके जो दोस्तों का चुनाव है वो सही नहीं, ये सब देखने का एकल परिवार में माता पिता के पास समय नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एकल परिवार है, चार बंदे होते हैं, त्योहार जो है, अब त्योहार क्या, त्योहार एक ऐसी चीज है जिसको जितने ज्यादा लोग मिलकर के मनाएंगे उतना आनंद आता है, ठीक है। संयुक्त परिवार में सारे मिलकर के रसोई जमा कर बैठ गए, जी हाँ, एक बंदा हलवा बना रहा है, दूसरा पूरियां बेल रहा है, तीसरा पूरियां जो है वो सेक करके निकाल रहा है, और पूरा मतलब माहौल जो है जबरदस्त हो जाता है। लेकिन एकल परिवार में बंदे तीन चार हैं, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, बोला आज दिवाली है चलो कहीं बाहर खाना खा करके आते हैं, हो गया काम। रसोई जी वेट कर रही है कि घर की जो लक्ष्मी है वो आएंगी खाना बनाएंगी, और वो बोल रहे हैं कि चलो बाहर होटल पर कुछ खा करके आते हैं, या पिज्जा मंगा लेते हैं, ये मंगा लेते हैं। तो क्या है, त्योहार जो है वो नीरस हो जाते हैं। एकल परिवारों के अंदर त्योहार जो है क्या हो जाते हैं, नीरस। त्योहारों पर में या त्योहारों में नीरसता, ये एकल परिवारों के अंदर देखने को, त्योहारों में निरस्ता, यानी कि एकल परिवार के जो लोग हैं, एकल परिवार के जो बच्चे हैं, वो त्योहारों का, फेस्टिवल्स का भरपूर आनंद जो है वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दिवाली पे चार पटाखे फोड़ लिए हैं जी छत पर चढ़ करके, ठीक है, दो रॉकेट चला लिए, बात खत्म, घंटे भर में पटाखे खत्म। और संयुक्त परिवारों के जो छत के छत पर जाती है, पड़ोसी भी आ रहे हैं जी, अपने अपने पटाखे उठा करके, और भरपूर एंजॉय किया जाता है उसको, ठीक है। इसके बाद इसका एक और जो दोष है वो क्या है, एकाकीपन, एकाकीपन या अकेलापन जिसको हम बोल देते हैं, क्या, एकाकीपन या अकेलापन, ठीक है। जो एकल परिवार के बच्चे होते हैं उनमें अकेलेपन की जो भावना जो है वो विकसित हो जाती है, क्योंकि माता पिता के चले जाने के बाद में भाई वो चले गए जॉब पर, उसके बाद वो बच्चा जो है वो घर पर अकेला बैठा बैठा या तो टीवी देखता रहेगा, कितने देर तक बेचारा वो टीवी देखेगा, ना उसके साथ कोई बात करने वाला, ना कुछ और, ठीक है। माता पिता जॉब से आएंगे, उसके बाद में वो थके होने का हवाला दे करके अपने अपने बिस्तर पकड़ लेंगे, सो जाएंगे, बस बात खत्म। तो बच्चा जो है वो अकेलापन फील करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, दोष है एकल परिवारों का। इसके अलावा देखिए, एकल परिवार है, छोटे परिवार है, तो इसके ये पॉइंट हमने पढ़े कि बड़े बुजुर्गों का सहारा नहीं होता है, उचित संस्कारों की कमी हो जाती है, बच्चों की संगति जो है वो किस तरह की है नहीं देख पाते हैं, त्योहारों में नीरसता आ जाती है, एकाकीपन और अकेलापन जो है वो फील होता है। इसके अलावा जो कठिन परिस्थितियां, भाई परिवार जो है अगर किसी कठिन परिस्थिति में फंस गया है तो वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा वहां पर, ठीक है। एकल परिवार कठिन परिस्थितियों को ज्यादा देर तक स्थायी रूप से टोलरेट नहीं कर सकता है, ठीक है, ज्यादा झेल नहीं सकता है, ठीक है। कठिन परिस्थितियों में अकेले पड़ना, अगला क्या है, कठिन परिस्थितियों में अकेले पड़ना, ये भी क्या है, एक दोष है एकल परिवार में। भाई कठिन परिस्थितियां आ गई है, संयुक्त परिवार में तो होता भी, हाँ कोई दिक्कत आ गई है तो सारे मिल बैठ करके आराम से बातचीत के थ्रू कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, ठीक है, उस परिस्थिति से निकलने का। लेकिन एकल परिवारों में है ही नहीं लोग, समझाने वाला कौन है, विचार देने वाला कौन है, ठीक है, कोई नहीं है वहां पर, तो कठिन परिस्थितियों में अकेले पड़ जाते हैं, इनके समझ में नहीं आ पाता भी क्या किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक असुरक्षा, ठीक है, सामाजिक असुरक्षा की भावना। अब मैं यहां से चला जाऊं अगर चेन्नई, वहां जाकर के जॉब करूं तो मैं अकेला हूं वहां पर, मेरे परिवार का कोई इंसान नहीं है। एकल परिवार तो मैं अपने भी बच्चों को साथ ले गया, लेकिन वहां पर बिल्कुल नई जगह पर मैं असुरक्षित महसूस करूंगा,
ठीक है, सामाजिक असुरक्षा की भावना जो है वो एकल परिवारों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपनत्व की कमी, अपनत्व की कमी, इस पॉइंट को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अपनापन जिसको हम बोलते हैं भी, लगाव जो होता है, लगाव की कमी होती है। होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता नौकरी के चक्कर में, भाई पैसे कमाने नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी के चक्कर में उस बच्चे को आया के पास या कहीं किसी डे स्कूल में, वो जो आजकल क्रच बने होते हैं वहां पर छोड़ करके चले जाते हैं। जिस समय बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है माता पिता की, उस समय वो उसके साथ नहीं रह पाते, ठीक है, तो बच्चा जो है उसमें भी क्या है, अपनेपन की भावना का विकास होगा ही नहीं, ठीक है। जैसा माता पिता उसके साथ उसके बचपन में कर रहे हैं, वैसा वो माता पिता के साथ उनके बुढ़ापे में करेगा। जब बुढ़ापे में माता पिता को उस बच्चे के सहारे की जरूरत होगी तो वो भी टरका देगा उनको वृद्धाश्रम में छोड़ करके, ठीक है। तो अपनत्व की कमी आ जाती है, कहां, एकल परिवार का दोष है ये। एकल परिवार के जो बच्चे होते हैं उनमें अपनत्व की कमी होती है। वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, भाई हाँ पैसा कमाना है, हाई पैसा के चक्कर में जो बच्चा है उसका फ्यूचर और साथ ही साथ अपना खुद का फ्यूचर, क्योंकि वही बच्चा उनको उनके बुढ़ापे के समय में कहां छोड़ेगा, वृद्धाश्रम में छोड़ेगा। तो ये कंडीशन है एकल परिवार के दोष। तो हमने अभी तक बात कर ली एकल परिवार क्या है, एकल परिवार के गुण क्या है, और एकल परिवार के ये जो दोष आपको बताए गए, बड़े बुजुर्गों के सहारे का अभाव होगा, उचित संस्कारों की कमी होगी, बच्चों की संगति का कोई हमें आता पता नहीं है, त्योहारों में नीरसता होगी, एकाकीपन या अकेलापन होगा, कठिन परिस्थितियों में अकेले पड़ जाएंगे, सामाजिक असुरक्षा की भावनाओं में रहेगी, और अपनत्व की जो कमी है वो देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ एकल परिवार का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त परिवार, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार, जैसे एकल परिवार में हमने पढ़ा कि जो एकल परिवार है वो माता पिता और उनकी अविवाहित संतान से निर्मित होता, उसी तरह संयुक्त परिवार जो है वो माता पिता और उनकी विवाहित संतान से निर्मित होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं संयुक्त परिवार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली। प्राचीन समय से ही हमारे भारत में जो परिवार हैं वो संयुक्त परिवार का ही प्रकार रहे हैं, ठीक है। हाँ आजकल जरूर नौकरी करने के लिए हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, तो हम सारे के सारे परिवार को साथ नहीं लेकर के जा सकते हैं, इसलिए हमें क्या है वो संयुक्त परिवार जो है वो थोड़ा सा टूट करके एकल परिवार में बदल जाता है। जैसे कोई इंसान जो है वो नौकरी के चक्कर में एक जगह अपने संयुक्त परिवार से अलग होकर के दूसरी जगह जाता है, तो वो आजकल जीविकोपार्जन के लिए एकल परिवारों का जो चलन है बढ़ता जा रहा है, परंतु पुराने समय से ही हमेशा भारत के जो परिवार हैं वो संयुक्त परिवारों का उदाहरण रहे हैं, ठीक है। अब संयुक्त परिवार, जैसे एकल परिवार जो है वो माता पिता और उनकी अविवाहित संतानों से निर्मित होता है, वैसे ही जो संयुक्त परिवार है वो माता पिता व उनकी माता पिता व उनकी विवाहित संतानों से बनता है। विवाहित संतान जो होगी उनसे संयुक्त परिवार का निर्माण होता है, किससे, माता पिता व उनकी विवाहित संतान, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त परिवार जो है उसका आकार बड़ा होता है, बड़े आकार का परिवार है ये, और सदस्यों की संख्या अधिक है, सदस्यों की अधिक संख्या देखने को यहां मिलती है, ठीक है। क्लियर हुई बात कि माता पिता व उनकी विवाहित संतान से निर्मित होता है, बड़े आकार का होता है, सदस्यों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें तीन या तीन से अधिक पीढ़ियां देखने को मिलती हैं, तीन या तीन से अधिक पीढ़ियां जो है वो हमें इसमें देखने को मिलती हैं संयुक्त परिवार में। तो संयुक्त परिवार जो है वो माता पिता व उनकी विवाहित संतान से निर्मित होता है, बड़े आकार का है, सदस्यों की संख्या जो है वो अधिक होती है,
तीन या तीन से अधिक पीढ़ियां जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनके अलावा इसके अलावा संयुक्त परिवार की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, देखिए जो संयुक्त परिवार है इसमें मुखिया जो है वो एक मुखिया होगा जो सारे के सारे संयुक्त परिवार के सारे निर्णय जो है वो लेता है। मुखिया के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। ठीक है, परिवार का जो मुखिया होगा उसी के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है। और परिवार का मुखिया कौन होगा, मुखिया होगा सबसे बुजुर्ग पुरुष जो होंगे। ठीक है, परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष जो होगा वो मुखिया कहलाया जाता है और उसी के पास परिवार के संदर्भ में जो भी निर्णय लेने होते हैं उन निर्णयों को लेने का जो अधिकार है वो केवल उस मुखिया के पास ही होता है। इसके अलावा जो संयुक्त परिवार है इसके अंदर स्थायित्व होता है। ठीक है, क्या है ये स्थायित्व इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि स्थायी है ये परिवार, काफी लंबे समय तक चलते हैं और ये तब तक चलते हैं जब तक किसी सदस्य की सदस्यता तभी समाप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाए। जन्म से उसकी सदस्यता मिल गई उसको और वो बड़ी आसानी से उसको तोड़ करके नहीं जा सकता। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एकल परिवार है, पति पत्नी में थोड़ी सी अनबन हो गई है, उधर से किसी ने वो पति के कान भर दिए, उधर से किसी ने पत्नी के कान भर दिए, दोनों जो है वो तलाक तक की नौबत पर आ जाते हैं, तुरंत एकल परिवार जो है वो विघटित हो सकता है। परंतु संयुक्त परिवार में तलाक लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार जो है अगर पति पत्नी में किसी तरह का कोई अनबन होती है तो संयुक्त परिवार के जो मुखिया हैं या महिलाएं हैं वो मिल बैठ करके आराम से समझा बुझा करके उनका जो तलाक या तलाक की तरफ उनके जो बढ़ते हुए कदम है उनको रोक लेते हैं। इसलिए स्थायित्व जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो सदस्यता होती है ये मृत्यु तक चलती है, मृत्यु के उपरांत ही जो व्यक्ति है वो उस परिवार का सदस्य नहीं रहेगा, वरना जब तक वो जीवित रहेगा वो क्या है उसी परिवार का सदस्य रहेगा। तो संयुक्त परिवार जो है वो क्या होते हैं, स्थायित्व जो है उनके जड़ों में बसा हुआ है। स्थायित्व जो है संयुक्त परिवार की एक बहुत मुख्य विशेषता है। ठीक है, इसके अलावा सहयोगी व्यवस्था देखने को मिलती है। क्या है सहयोगी व्यवस्था, सहयोगी व्यवस्था देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार में कोई भी काम जो है वो कोई किसी अकेले का काम नहीं होता, कोई काम है तो सभी जन मिलकर के उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को के जो काम है उसमें उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो सहयोगी व्यवस्था जो है वो संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है। इसके अलावा संयुक्त परिवार के और जो विशेषताएं हैं उसमें देखिए समान आवास, समान रहन सहन, समान भोजन और संयुक्त संपत्ति ये चीजें ध्यान में रखनी है कि संयुक्त परिवार में कोई राजा या रंक नहीं होता भी हाँ वो बड़ा है तो वो ऐसे कपड़े पहनेगा वो ऐसी चीजें खाएगा। जितने भी संयुक्त परिवार के मेंबर होंगे उन सब का जो परिवार में रुतबा है वो बराबर का है, रहने के लिए समान एक जैसी कंडीशन होगी सभी के लिए, रहने के लिए समान तरह की व्यवस्था की गई होगी, उनका जो रहन सहन होगा वो एक तरह का होगा, भोजन जो बनेगा सभी के लिए एक जैसा बनेगा। यो नहीं है कि राजा साहब के लिए अलग से हलवा बनेगा जी और बाकी जो लोग हैं वो बेचारे दाल रोटी खाएंगे, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो समान आवास, समान रहन सहन, समान भोजन, ठीक है, ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। ठीक है, एक ही रसोई होती है संयुक्त परिवार में, उसी रसोई में पूरे परिवार का खाना बनाया जाता है, वो चाहे 20 बंदों के लिए बन रहा हो चाहे 25 बंदों के लिए बन रहा हो, उसी रसोई के अंदर जो महिलाएं हैं भोजन का निर्माण करेंगी और एक जैसे भोजन का निर्माण करेंगी। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त संपत्ति, संयुक्त परिवार में अलग अलग जो लोग हैं
उनकी जो भी उनका जो कार्य होगा पैसे कमाने के लिए, वो जो भी काम कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, वो सब मिल करके संयुक्त संपत्ति में आता है। वो जितना भी पैसा या जमीन जायदाद जो होगी वो परिवार की संयुक्त संपत्ति मानी जाती है और जो परिवार के सदस्य हैं उस संपत्ति में हिस्सेदार होंगे। ठीक है, तो संयुक्त संपत्ति जो है ये भी संयुक्त परिवार का एक गुण है। इसके अलावा जो संयुक्त परिवार है वो धार्मिक है या सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक या सामाजिक कार्य जो भी होंगे, सामाजिक कार्यों की जो संपन्नता होगी, कार्यों ये जो होंगे, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सांस्कृतिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, पूरा परिवार मिलकर के वो जो प्रोग्राम होगा उसको देखभाल करेगा, उस प्रोग्राम को करवाएगा, उस कार्य का संपादन करेगा। ठीक है, तो ये संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। और इसके बाद संयुक्त परिवार के जो दोष हैं, भाई ये तो हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ ली संयुक्त परिवार के गुण क्या हैं। संयुक्त परिवार में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो संयुक्त परिवार है वो माता पिता व उनकी विवाहित संतान से बनता है, बड़े आकार का होता है, सदस्यों की संख्या अधिक होती है, तीन या तीन से अधिक पीढ़ियां यहाँ रहती हैं, मुखिया के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा, यानी कि मुखिया का नियंत्रण होगा, सबसे बड़ा बुजुर्ग पुरुष जो होगा वही मुखिया कहलाएगा। ठीक है, निर्णय वही लेगा। हाँ, महिलाएं जो है, बुजुर्ग महिलाएं या बड़ी महिलाएं जो है वो निर्णय में अप्रत्यक्ष रूप से साथ होंगी। ठीक है, फिर जो संयुक्त परिवार है उसमें स्थायित्व होता है, सहयोगी व्यवस्था देखने को मिलती है, सभी मिलजुल करके काम को निपटाने की कोशिश करेंगे। जो संयुक्त परिवार है उसमें समान आवास, समान रहन सहन, समान भोजन की व्यवस्था होती है। संयुक्त परिवार के पास जो संपत्ति है वो संयुक्त संपत्ति कही जाती है और सभी सदस्य उसमें हिस्सेदार होते हैं। इसके अलावा जो संयुक्त परिवार है वो धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संयुक्त संपादन करेगा। ठीक है, सब मिलजुल करके उस काम को पूरा करेंगे। ये सब जो है वो है संयुक्त परिवार के गुण विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद संयुक्त परिवार की कुछ दोष हैं। देखिए, संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी इसमें जो अच्छी अच्छी हमें देखने को मिली। भाई हाँ, संयुक्त परिवार में जी सहयोगी व्यवस्था होती है, सभी मिलजुल करके रहते हैं, सभी प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, ठीक है, सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन क्या है, कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें सिर्फ अच्छाई हो, कुछ ना कुछ तो बुराई मिले ही मिलेंगी। ठीक है, तो संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी हैं, संयुक्त परिवार के दोष हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो संयुक्त परिवार है, क्योंकि यहाँ मुखिया जो है उसके पास केवल निर्णय लेने की क्षमता होती है, निर्णय लेने का अधिकार होता है, तो कई बार क्या है, संयुक्त परिवार के जो लोग होते हैं, संयुक्त परिवार के जो सदस्य हैं, उनको मुखिया की जो प्रवृत्ति है, मुखिया के निर्णय लेने का जो अधिकार है, वो उसकी तानाशाही जो है वो लगती है। और कभी कभार क्या होता है कि वास्तविकता में ऐसा होता भी है, जो मुखिया है उसकी प्रवृत्ति तानाशाह जैसी हो जाती है, तानाशाही प्रवृत्ति। भाई देखिए, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और कई बार कठोर निर्णय जो लेता है उसको हम तानाशाह बोल देते हैं। परिवार जो है, परिवार का मुखिया परिवार के बारे में सोचेगा, आप पूरे परिवार के बारे में सोचे, अकेला आपके बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा, भी मुखिया ने जो निर्णय लिया वो हमारे अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट नहीं है, परिवार की भलाई में। ठीक है, यद्यपि फिर भी हम इस पॉइंट को यहां पर मेंशन करेंगे कि जो संयुक्त परिवार के दोष हैं उनमें पहला क्या है, मुखिया की तानाशाही प्रवृत्ति जो है वो संयुक्त परिवार में एक दोष माना गया है। इसके अलावा संयुक्त परिवार में जो बच्चा होगा व्यक्तित्व के विकास में बाधक, ठीक है, उनमें जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण रूप से निखर नहीं पाता है, व्यक्तित्व विकास में बाधक। ठीक है, जो संयुक्त परिवार के दोष में एक हो गया मुखिया की तानाशाही प्रवृत्ति, दूसरा क्या है कि जो संयुक्त परिवार के बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर व्यक्तित्व जो है पूरी तरह से निखर के सामने नहीं आ पाता। ठीक है, एकल परिवार में ये बेनिफिट था, गुण था उसका कि व्यक्तित्व विकास जो है वो बड़े आसानी से सामने आ जाता है। ठीक है,
फिर तीसरा क्या है, सामान्य जीवन स्तर है। एकल परिवार में हमने पढ़ा कि बेहतर जीवन गुणवत्ता होती है, लेकिन यहां पर जो जीवन का स्तर है वो क्या है, सामान्य है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, ठीक ठाक। ठीक है, तो सामान्य जीवन स्तर देखने को मिलता है। कई बार जो है हमें संयुक्त परिवार में रहने के चलते अपनी कुछ इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है, दबानी पड़ती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में सभी की वैसी इच्छाएं पूरी अगर करने लग गए तो जो परिवार है उसके पास आर्थिक संपन्नता जो है वो नहीं रहेगा, लुटने के कगार पर आ जाए, उससे बेटर है कि वो चीज रोक दी जाए। इसलिए सामान्य जीवन स्तर जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा संयुक्त परिवार की जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है, स्त्रियों की निम्न स्थिति। ठीक है, जो महिलाएं हैं उनको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है, वैचारिक स्वतंत्रता नहीं होती है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है, और उनको घरेलू कार्य करने वाले जो है वही माना जाता है सिर्फ। ठीक है, तो स्त्रियों की जो स्थिति होती है संयुक्त परिवार में वो एकल परिवार के कंपैरिजन में निम्न होती है। ठीक है, ये है संयुक्त परिवार के दोष। ठीक है, फिर मुखिया की तानाशाही प्रवृत्ति एक, दूसरा व्यक्तित्व विकास में बाधक है। ठीक है, पूर्णतया से व्यक्तित्व जो है बच्चे का वो निखर नहीं पाता। उसके बाद है सामान्य जीवन स्तर, जीवन का जो स्तर होगा वो एकल परिवार के कंपैरिजन में क्या होगा, सामान्य होगा। वहां बढ़िया बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन था, यहाँ पर जो जीवन है वो सामान्य रहेगा। ठीक है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ज्यादा टेंशन लेने नहीं है, पिज्जा विज्जा क्या करने का है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जो चौथा दोष है वो क्या है, स्त्रियों की निम्न स्थिति। स्त्रियों की जो कंडीशन है संयुक्त परिवार में उसे हम अच्छी नहीं मानते। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं आदर सम्मान नहीं होगा, आदर सम्मान मिलता है, लेकिन फिर भी उन्हें निम्न नजरों से ही देखा जाता है, उन्हें पुरुषों से नीचे ही माना जाता है। ठीक है, तो निम्न स्थिति जो है संयुक्त परिवार में स्त्रियों की देखने को मिलती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो संयुक्त परिवार है इसमें गुण ज्यादा हैं और दोष जो है वो हमें कम देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू जब हमने बात की एकल परिवार की उसके कंपैरिजन में। तो हमारे लिए जो संयुक्त परिवार है, हम बोल सकते हैं कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये गुण भी है, ये भी ध्यान रखना आपने, गुण है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, अच्छे संस्कार अगर दिए जा सकते हैं तो वो एकल परिवार में नहीं दिए जा सकते हैं, वो संयुक्त परिवार में ही दिए जा सकते हैं। दादा दादी हैं, माता पिता हैं, ताऊ ताई हैं या चाचा चाची हैं, ये सब मिलकर के जो बच्चा है उसको उचित संस्कार, सही संस्कार देते हैं और सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण। ठीक है भाई, संयुक्त परिवार जैसे पुराने समय में संयुक्त परिवार ही हुआ करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, लोग जो है वो दुनिया के रंग के साथ रंग बदल रहे हैं, तो क्या संयुक्त परिवार जो है वो टूट रहे हैं, और उनके टूटने के कारणों पर हमने चर्चा करनी है अब कि संयुक्त परिवार के विघटन के क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण क्या है, स्वतंत्रता की भावना या स्वतंत्रता की इच्छा, स्वतंत्रता की कामना। हर कोई यही चाहता है कि मैं भाई फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम चाहिए हमें, अपने पेरेंट्स के जो निर्णय है वो हमने नहीं फॉलो करने, हमारी भी जिंदगी है, हम भी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो वो स्वतंत्रता की जो कामना है, स्वतंत्रता की जो भावना उठ रही है, दिल के अंदर हिलोरे मारती है, वो संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। ताऊ जी ने कुछ बोल दिया तो जी बच्चा तो हो गया नाराज, चाचा ने कुछ बोल दिया बच्चा हो गया नाराज, मैं बोला नहीं रहना इनके साथ। ठीक है, तो स्वतंत्रता चाहिए हर कार्य में। ठीक है, तो स्वतंत्रता की जो कामना है वो संयुक्त परिवार के विघटन का एक कारण है। फिर दूसरा, विलासिता पूर्ण जीवन की कामना। ठीक है भाई, जिंदगी में ऐसो आराम हो, मेरी कमाई
मैं अपने बच्चों पर लगाऊंगा, मैं अच्छी चीजें खिलाऊंगा उनको, अच्छी जगह रखूंगा, चार कमरों वाले घर में नहीं रखूंगा, मैं तो बंगले में रखूंगा। ये सब जो विलासिता पूर्ण जीवन की जो कामना है, ये भी क्या है, संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। भी मेरी कमाई का हिस्सा मैं अपने परिवार के बाकी सदस्यों को क्यों दूं? ठीक है, तो ये जो कामना जाग उठती है भाई मेरी जिंदगी बेहतर हो, बाकियों का हमने ठेका थोड़ी ना ले रखा, ये वजह है संयुक्त परिवार के विघटन की। इसके अलावा तीसरा, आपसी मनमुटाव। आपसी मनमुटाव जो है वो, अब देखिए संयुक्त परिवार है, कई सारे सदस्य होते हैं, 15-20 लोग होंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के विचार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बच्चे जो आपस में जैसे जिद कर बैठते हैं, जी मेरे को तो शाहरुख खान पसंद है, बोले ना शाहरुख खान कोई एक्टर है भाई, ऋतिक रोशन बढ़िया एक्टिंग करता है, सलमान खान बढ़िया है, एक भाई का फैन है, एक बादशाह का फैन, तो क्या विचार अलग अलग है? ठीक है, ये विचार आपस में नॉर्मल रहे तब तो ठीक है, लेकिन जब जिद बन जाती है तब आपसी मनमुटाव शुरू हो जाता है। आपसी मनमुटाव जो है वो भी संयुक्त परिवार के विघटन का कारण माना जाता है। ठीक है, तो अभी तीन कारण पढ़ लिए हमने, स्वतंत्रता की कामना, विलासिता पूर्ण जीवन की कामना और आपसी मनमुटाव। इसके अलावा चौथा जो रीजन है वो क्या है, बाह्य हस्तक्षेप। बाह्य हस्तक्षेप, इस पॉइंट को समझिए कि फैमिली के अंदर कोई बात हो गई है, हल्का थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया है दो जनों के बीच में, तो क्या है कि अपने अपने तरफ से बंदे बुला लिए सुलझाता करवाने के लिए भी, हाँ किसी बाहरी का अगर परिवार के मामले में कोई बाहर का व्यक्ति आकर के अगर दखल देता है तो ऐसा जो संयुक्त परिवार है उसको टूटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। ठीक है, तो परिवार के जो अंदरूनी मामले हैं उनको अंदरूनी ही रखा जाए तो संयुक्त परिवारों के विघटन को रोका जा सकता है, लेकिन अगर परिवार के अंदरूनी मामलों में यदि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के बोलने लगेगा, बाहर का व्यक्ति आकर के अगर सुलझाएगा उन मामलों को, तो संयुक्त परिवार जो है वो डेफिनेटली विघटित होगा। इसके अलावा पांचवा, पश्चिमी सभ्यता का या पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। हमारे भारतीयों के मन में क्या है, पिछले कुछ समय से टीवी वगैरह की वजह से पश्चिमी संस्कृति का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और ये जो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है, पिताजी की जगह डैडी हो गए हैं और माताजी की जगह मोम हो गई है, तो ये पश्चिमी संस्कृति का जो प्रभाव है ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संयुक्त परिवार के विघटन का कारण बनता है। ये है जी संयुक्त परिवार के विघटन के अलग अलग पांच कारण। इसके बाद में हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक एकल परिवार, एकल परिवार के गुण और दोष, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार के गुण और दोष, और अब अगर हमें कंपेयर करना पड़े एकल परिवार और संयुक्त परिवार को, तो क्या है, एक तरफ हम लिख सकते हैं यहां पर एकल परिवार, ठीक है, एकल परिवार, और दूसरी तरफ हम यहां लिख सकते हैं संयुक्त परिवार। एक बार दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, एकल परिवार में सदस्यों की कम संख्या। ठीक है, सदस्यों की कम संख्या, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या जो है वो क्या होती है, अधिक देखने को मिलती है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। दूसरा पॉइंट, एकल परिवार में दो पीढ़ियां जो है ये उपस्थित होती हैं और संयुक्त परिवार में तीन या तीन से अधिक पीढ़ियां जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, एकल परिवार में क्या है, सिर्फ दो पीढ़ियां देखने को मिलती हैं, जबकि संयुक्त परिवार जो है वो तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों वाला होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो मैंने पहले मेंशन नहीं किया, ये ध्यान रखना आपने, एकल परिवार जो है वो विवाह संबंध पर बनता है। किस पर बनता है, विवाह संबंध पर, विवाह संबंध पर निर्मित होगा। ठीक है, विवाह संबंध पर निर्माण
और यहां जो संयुक्त परिवार है ये रक्त संबंध से निर्मित होता है। ये क्या है? रक्त संबंध से निर्माण होता है इसका, ठीक है। तो एक पॉइंट जो नई बात यहां पता लगी, क्या? एकल परिवार जो है वो विवाह संबंध से उसका निर्माण होगा, जबकि संयुक्त परिवार जो है उसमें रक्त संबंध से निर्माण होता है संयुक्त परिवार का। चौथा पॉइंट, एकल परिवारों में स्त्रियों की अच्छी स्थिति देखने को मिलती है, अच्छी स्थिति, ठीक है, जबकि यहां पर निम्न स्थिति देखने को मिलती है। क्या? निम्न स्थिति, स्त्रियों की निम्न स्थिति संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है। इसके अलावा एकल परिवार में जो विवाह है वो अधिक आयु में किया जाता है, अधिक आयु में विवाह, क्योंकि बच्चा पढ़ लिख लेगा, अपने पांव पर खड़ा होगा, तब वो सोचेगा शादी करने की। तब तक क्या है, आराम से 28-30 साल तक उम्र हो जाती है, यानी कि अधिक आयु हो जाती है। जबकि संयुक्त परिवार में क्या है, जैसे ही बच्चा 20 को क्रॉस करता है तभी सभी को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, दादा दादी लग जाएंगे, चाचा चाची, ताऊ ताई सब लग जाएंगे, ठीक है, रिश्ते ढूंढने में। तो यहां पर जो है वो क्या है, विवाह कम आयु में होता है। यहां मैं लिखता हूं कम आयु में विवाह, ठीक है। तो एकल परिवार में अधिक आयु में विवाह होगा, जबकि संयुक्त परिवार जो है उसमें कम आयु में विवाह कर दिया जाता है। छठा, एकल परिवार जो है वो परिवर्तनों के प्रति उदार होता है, परिवर्तनों के प्रति उदार, यानी कि वो स्वागत करता है, यदि किसी तरह का कोई चेंज आ रहा है तो बदलने के लिए वो तत्पर रहता है, वो रेडी है भी, हाँ ठीक है, अगर हमें दुनिया के साथ कदम मिलाकर के चलना है तो हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, यानी कि परिवर्तनों का स्वागत करते हैं, वो उदार होते हैं परिवर्तनों को लेकर के। लेकिन संयुक्त परिवार जो है वो जल्दी से परिवर्तनों को मानते नहीं है, वो रूढ़िवादी होते हैं, वो पुरानी विचारधारा के साथ ही डटे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सातवां पॉइंट, एकल परिवार कम स्थायी होते हैं, कम स्थायित्व इनके अंदर, कम स्थायित्व देखने को मिलता है किनमें, एकल परिवारों में, जबकि संयुक्त परिवारों में अधिक स्थायी, जो संयुक्त परिवार होंगे वो क्या होंगे, अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। एकल परिवार जो है वो उनमें स्थायित्व की कमी होती है, जबकि संयुक्त परिवार जो है उनमें स्थायित्व जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा एकल परिवार जो है इसमें नियंत्रण जो होता है बच्चों पर, ठीक है, बच्चों पर जो नियंत्रण होता है वो स्थिर होता है, ढीला ढाला नियंत्रण होता है, कोई खास नहीं, कोई ध्यान देता नहीं है इतना, तो जो बच्चे हैं वो हाथ से तुरंत निकल जाते हैं, स्थिर नियंत्रण जो है वो देखने को मिलता है। जबकि संयुक्त परिवार जो है, संयुक्त परिवार में कठोर नियंत्रण होता है, एक से बच गया तो दूसरा पकड़ लेगा, दूसरे से बच गया तो तीसरा पकड़ लेगा, यानी कि कठोर नियंत्रण जो है वो देखने को मिलता है, कहां, संयुक्त परिवारों में। इसके अलावा जो एकल परिवार है, एकल परिवार जो है वो ज्यादा गतिशील माने जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से उनको, क्योंकि नौकरी की तलाश में इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता है, तो जो एकल परिवार है वो ज्यादा गतिशील माने गए हैं, जबकि संयुक्त परिवार जो है वो कम गतिशील होते हैं, ठीक है। एक बार इन सारे पॉइंट्स को फिर से रिपीट कर लेते हैं, एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होगी, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी, एकल परिवार में दो पीढ़ियां होती हैं, संयुक्त परिवार में तीन या तीन से अधिक पीढ़ियां होंगी, एकल परिवार विवाह संबंधों से निर्मित होता है जबकि संयुक्त परिवार रक्त संबंध से निर्मित होता है, एकल परिवार में स्त्रियों की अच्छी स्थिति देखने को मिलती है, संयुक्त परिवार में स्त्रियों की जो स्थिति है वो निम्न होती है, और एकल परिवार में अधिक आयु में विवाह होगा जबकि संयुक्त परिवार में तो सभी लोग वेट कर रहे हैं कब पकड़ो और इसको हाथ पीड़े करो बस जल्दी से, ठीक है। उसके बाद एकल परिवार जो परिवर्तनों के प्रति उदार होता है, जबकि संयुक्त परिवार जल्दी से बदलाव नहीं करता अपने अंदर, वो रूढ़िवादी है, वो पुरानी धारणाओं को ही पकड़े बैठे रहना चाहता है। इसके अलावा एकल परिवार
कम स्थाई को दिखाता है, स्थाई नहीं होते हैं बड़ी जल्दी, परिवार जो वो टूट जाता है, जबकि संयुक्त परिवार स्थायित्व के साथ मजबूती के साथ डटे रहता है और किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है तो मिल बैठ करके उसको सुलझाते हैं, ना कि परिवार टूटने देंगे। ठीक है, परिवार को टूटने नहीं देंगे, वो सुलझाएंगे उस समस्या को। इसके अलावा बच्चों पर शिथिल नियंत्रण, ढीला ढाला नियंत्रण जो है वो एकल परिवार में देखने को मिलता है, जबकि संयुक्त परिवार कठोर नियंत्रण शो करते हैं। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट लिखा नहीं, मैंने बताया आपको, ज्यादा गतिशील होता है एकल परिवार और जो संयुक्त परिवार है वो कम गतिशील होता है। ठीक है, तो ये थे एकल परिवार के गुण व दोष, संयुक्त परिवार के गुण व दोष और दोनों के बीच में जो असमानताएं हैं वो। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहता है वो है आपसी संबंध। परिवार के जो सदस्य हैं उनका आपस में जो संबंध होता है उसी को हम आपसी संबंध बोलते हैं। ये चीज आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं, आपका परिवार के हर सदस्य के साथ संबंध है। कोई दादा है, आप दादा बोलते हो, किसी को दादी बोलोगे आप, ठीक है, तो दादा दादी एक संबंध हो गया, ताऊ ताई दूसरा संबंध हो गया, माता पिता तीसरा संबंध हो गया है, चाचा चाची या काका काकी जो चौथा संबंध हो गया, भाई बहन है, ठीक है, या मातृपक्ष की तरफ से देखें तो मौसा मौसी है, मामा मामी है, नाना नानी है, ये सब क्या है, ये आपसी संबंध है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है ये मैं यहां पर समाप्त करता हूं। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये सब चीजें जो है वो समझ में आई होंगी और साथ ही साथ पसंद भी आई होंगी, तरीका भी शायद आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, फिर भी यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह का कोई सुझाव जो आप मुझे देना चाहते हो वो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक्स को पढ़िए, आपका परिवार का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है। अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।